लोग निकल चुके हैं। आज का हमारा प्लान है मिरिक जाने का, तो घर से निकला हुआ अभी काफ़ी देर हो चुका है और अभी हम लोग सुखना पहुंच चुके हैं। तो तकरीबन बाइक से जाने में लगभग डेढ़ घंटे का समय लगता है। तो आज हम लोग जाकर चेक करेंगे कि एक्चुअली में टाइम डेढ़ घंटा लगता है या फिर उससे भी कम या डेढ़ घंटा से भी ज़्यादा लगता है। और मैंने गूगल में सर्च किया था तो यहाँ पर दिखा रहा था कि मिरिक 45 किलोमीटर है, लेकिन सुखना में जो बोर्ड है वहाँ पे लिखा हुआ है मिरिक 55 किलोमीटर है। बट रियलिटी क्या है, मैंने अपने गाड़ी में जो ट्रिप सेट कर दिया है तो वहाँ पहुँचने के बाद मालूम चल जाएगा कि एक्चुअली में डिस्टेंस कितना है सिलीगुड़ी से मिरिक का। तो आप लोग मेरे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये मेरा जो सफ़र है मिरिक तक का होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा आप लोगों को। ये सुखना का छोटा सा ब्रिज, सुखना के अंदर में आते हो तो यहाँ पे जो आर्मी कैंप है ये वाला ब्रिज वहीं का है। तो इसको क्रॉस करने के बाद, ये ज़्यादा लंबा पुल नहीं है, जस्ट छोटा ही ब्रिज है। तो यहाँ पर एक बोट है, यहाँ से मिरिक जाने का रास्ता है और यहाँ से जो मिरिक का एरो दिखाया गया है इस रास्ते से हम लोग जाएंगे मिरिक। अभी रास्ता खाली है। अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं दुधिया, थोड़ा लेट हो गया था एक्चुअली। हम लोग गाड़ी धुरा में कुछ ब्रेकफास्ट कर रहे थे और वहां से अभी जस्ट निकले ही हैं। तो यहां से दुधिया का बाज़ार शुरू होने वाला है और दुधिया एक बहुत ही अच्छा पिकनिक स्पॉट है। यहां पे जब पिकनिक का समय होता है तो बहुत ही ज़्यादा भीड़ रहती है यहाँ पर। और अभी जो हम लोग क्रॉस कर रहे हैं ये है दुधिया का सेकेंड ब्रिज, और ये ब्रिज पूरी तरीक़ा से लोहा का बना हुआ है। और इससे पहले जो ब्रिज है वो सीमेंटेड ब्रिज है, लेकिन ये वाला ब्रिज लोहा का बना हुआ है। और ये नीचे पूरे यहाँ पे सभी लोग पिकनिक मनाते हैं। और अब यहाँ से जो पहाड़ का चढ़ाई होता है वो शुरू होता है। यहाँ का जो रास्ता होता है ख़तरनाक होता है काफ़ी, एक्चुअली यहाँ से चढ़ाई भी हम लोग चढ़ते हैं तो रिस्क हो जाता है, लेकिन अगर आप सेफ्टी के साथ अगर गाड़ी चलाते हैं तो रिस्क का कोई बात नहीं है। ऐसे देख सकते हैं आप जलेबी की तरह ये टेढ़ा मेरा रास्ता है ये। और ये आप देख सकते हैं इधर लैंडस्लाइड हुआ है तो रास्ता भी बन रहा है। देख सकते हैं दुनिया का ब्रिज जो सीमेंटेड ब्रिज है दिखाई दे रहा होगा। ये था बंदरों का झुंड। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, ये जो रास्ता है डेंजर जोन है, क्योंकि रास्ता भी काफ़ी पतला है ना, सावधानी बनाते हुए इसमें इस रोड में ड्राइव करना पड़ेगा। आपको जब भी टाइम मिलता है अगर मिरिक जाने के लिए तो आप घूमने के लिए ज़रूर आ सकते हो, लेकिन मिरिक आने से पहले आप अपने गाड़ी को अच्छी तरीके से सर्विसिंग करवा लें और ये भी देख लें कि आपका ब्रेक वगैरह ठीक से काम कर रहा है कि नहीं, और उसके साथ में आप लोगों का गाड़ी का पेपर भी ठीक रहना चाहिए। नीचे में तो धूप था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो अभी ठंड लगना चालू हो चुका है। तो अभी मैं
रास्ते में रुका हुआ। यहाँ से खूब सुंदर नज़ारा ये है, आप लोग देख सकते हैं। वाह क्या व्यू है, क्या नज़ारा है, मन खुश हो गया, दिल खुश हो गया। नो मिल जाएगा मोबाइल में कैप्चर हो जा रहा है ये सारा व्यू। चलो रुकना नहीं है, नहीं तो लेट हो जाएगा, हम लोगों को उधर से रिटर्न भी करना है। अगर बारिश हो जाती हो तो फिर हम लोगों को भेजना पड़ेगा। और ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा अमेरिक के ऊपर, और यहाँ से अमेरिक करीब 8-10 किलोमीटर है अभी। और मैं मिरी के सबसे टॉप पर पहुंच चुका हूं, और यहां से मैं आप लोगों को कुछ सुंदर नज़ारा दिखाता हूं। ये देखिए, ये है पूरा का पूरा चाय पत्ती का बगान। पहुंचते ही पूरा का पूरा फोगी हो गया है, एक्चुअली ये सारा बादल है। अभी नीचे आप लोगों को कुछ नहीं दिखाई दे रहा होगा, नीचे तो धूप लग रहा था हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर आया तो ठंडा लगने लगा। क्या नजारा है यार ये, वाओ। और ये रहा, हम मिरिक पहुंच चुके और हम जस्ट नीचे जा रहे हैं और मिरिक लेक में जाएंगे, वहाँ पर मिरिक लेक का मुआयना करेंगे और देखेंगे। और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मिरिक का बाज़ार।
ये पूरा का पूरा नज़ारा सेवक का सेवक मैं बोल रहा हूँ मिरिक लेक का, और हम लोग यहाँ पर मिरिक लेक में पहुँच चुके हैं और काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। जब पिकनिक का सीज़न चलता है तो बहुत सारे लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने के लिए आते हैं, और वहाँ पर मेरे सामने देख सकते हैं आप मिरिक जो लेक है उसका बगल में आई लव मिरिक का बोर्ड लगा हुआ है, और ये एक फ़ोटो क्लिकिंग करने का बन चुका है यहाँ पर। सभी को जब जो भी लोग मिरिक आते हैं यहाँ पर फ़ोटो ज़रूर खिंचवाते हैं। ये है मेरी क्लिप। तो ये जो लेक दिखाई दे रहा है झील, यहाँ पर बहुत सारी इसके अंदर बहुत सारी मछलियाँ हैं, और वहाँ सामने जो ब्रिज दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ से आप क्रॉस कर सकते हैं और उधर घूम सकते हैं। और वो जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है उसके बगल में एक छोटा सा पार्क है, फैमिली पार्क है। मिरिक लेक में ये जो पेड़ आप लोगों को दिखाई दे रहा है यह है गगनचुंबी पेड़, काफ़ी ज़्यादा लंबा है, और यही सारे पेड़ जो हैं मिरिक की सुंदरता को बढ़ाते हैं। और वहाँ पर आप फोगी देख सकते हैं, अभी अभी धूप था लेकिन अभी फोगी आने लग गया। और जब भी आप मिरिक में आएंगे तो ये वाला जो ब्रिज है ये देखने के लिए मिलेगा, और ये ब्रिज बनाया गया है एक्चुअली लेक के इस पार और उस पार आने जाने के लिए। तो ऐसे जब हॉलीडे रहता है या फिर जिस दिन छुट्टी का दिन रहता है तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है। इस ब्रिज के ऊपर भी बहुत सारे लोग फ़ोटो खिंचवाते रहते हैं, और यहाँ पर जो दिखाई दे यहाँ पर घोड़े भी रहते हैं, लेकिन आज घोड़े नहीं हैं, उनके ऊपर भी आप बैठ कर राइड कर सकते हैं। तो ये है, मैं अभी ब्रिज के ऊपर आ चुका हूँ। ये जो मिरिक में जो झील है, इस झील के ऊपर यही वाला ब्रिज बना हुआ है, और इस ब्रिज से आप क्रॉस करके मिरिक के दूसरी तरफ जा सकते हैं, जिस तरफ पीछे में जो आप लोग घर दिखाई दे रहा होगा हल्का फुल्का ही दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी फोगी चल रहा है। अगर धूप रहता तो फोटो थोड़ा अच्छा आता पीछे का। तो एक बार मैं लेक पे एक बार थोड़ा दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। चलो बोलो, बोलो हेलो हाय, बोलो नाम बताओ अपना, फूल नीचे करो, फ्लावर नीचे करो। हाँ बोलो, जलपाईगुड़ी पुलिस स्टेशन। बोलो बोलो, हाँ यहाँ पर किसके साथ घूमने आई हो? अच्छा लग रहा है घूमने में? चलो सिलीगुड़ी से हम लोग भी है। ओके थैंक यू। तो फाइनली मेरा टाइम हो चुका है, मैं यहाँ मिरिक से निकलूँगा अभी घर के लिए सिलीगुड़ी जाने के लिए। तो लास्ट में एक व्यू दिखा दे रहा हूँ इस मिरिक में जो झील है, तो अभी
हल्का सा फोगी कम हुआ है, तो आप लोगों को कुछ नज़ारा हल्का दिखाई देगा। देख लीजिए, क्योंकि पहले वाला जो वीडियो था उसमें काफ़ी ज़्यादा फोगी आया हुआ था, और यहाँ पर सेकेंडों सेकेंडों में फोगी आते रहता है और जाते रहता है। अगर धूप रहता तो और भी फोटो की क्वालिटी या सीन जो होता बहुत ही अच्छा आता। आप लोगों को हमारा यह अमृत ट्रिप का वीडियो कैसा लगा, आप अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।